नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है, कोरल ड्रॉ से रिलेटेड ट्यूटोरियल है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रमोद लोधी जी ने कमेंट किया है कि वेरी नाइस वीडियो सर जी, प्लीज़ सर मुझे कोरल ड्रॉ के विंडो का परिचय, कितने टूल्स, कितने मेन्यू होते हैं, सबके बारे में डिटेल्स में बताएं। तो सबसे पहले प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो आज मैं आपको सिंपली सिर्फ कोरल ड्रॉ के विंडो के स्क्रीन के बारे में बताऊंगा और कितने टूल्स, कितने सारे डिटेल्स आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं बताता जाऊंगा। तो आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ के विंडो के स्क्रीन के बारे में, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए यहाँ देखिए, ये मेरा कोरल ड्रॉ 11 खुला हुआ है, मैं कोरल ड्रॉ 11 के अंदर बता रहा हूँ। तो ज़्यादा अंतर नहीं है कोरल ड्रॉ 11, कोरल ड्रॉ 12, कोरल ड्रॉ 9 में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये देख सकते हैं ये स्क्रीन, कुछ कोरल ड्रॉ का स्क्रीन कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले, उसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानने से, काम करने से पहले उसके बारे में विस्तारित जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर आप जो देखेंगे ये जो बार दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ देखिए टाइटल बार में दिख रहा होगा, लिखा हुआ कोरल ड्रॉ 11 लिखा हुआ है, प्लस एक छोटा सा आपको एक आइकन दिखाई देगा, कोरल ड्रॉ का एक आइकन दिखाई देगा, छोटा सा उसका ग्राफिक दिखाई देगा, आइकन दिखाई देगा। ये एक्चुअली क्या है, ये आपका कंट्रोल मेनू है, कंट्रोल मेनू, इसे हम लोग कंट्रोल मेनू बोलते हैं। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए रीस्टोर बटन दिया है, मिनिमाइज दिया है, क्लोज दिया हुआ, इससे भी आप प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। प्लस टाइटल बार के राइट हैंड साइड में जब जाएंगे, उसी बार में राइट हैंड साइड में, तो सेम टू सेम ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, एक माइनस टाइप का, ऐसे बोलते हैं मिनिमाइज बटन। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये जो बटन है रीस्टोर बटन है, उसके बाद ये आपका क्लोज बटन है। तो यहाँ भी आप इसके माध्यम से भी आप मिनिमाइज, क्लोज सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ठीक टाइटल बार के ठीक नीचे आप देखेंगे ये ग्राफिक वन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जब भी आप नया लेंगे, नया पेज लेंगे तो ग्राफिक वन सबसे पहले आता है। उसके बाद नीचे देखेंगे ये देखिए मेनू बार है, इसे हम लोग मेनू बार बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ये मेनू बार है जिसमें फाइल मेनू है, एडिट मेनू, अलग अलग मेनूज़ दिए हुए हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मेनू बार, जिसमें अलग अलग मेनूज रहता है, अलग अलग मेनू बार का ऑप्शन अलग अलग यहाँ पे रहेगा। देखिए यहाँ फाइल का मेनू, एडिट का, व्यू का, लेआउट, अरेंज, ये सब रहता है। उसके ठीक नीचे जो नीचे वाला ये वाला जो बार आपको दिखाई दे रहा है, मेनू बार के ठीक नीचे आपको देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला जो है उसे हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली कुछ मेनूज़ का यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ है, न्यू का दिया हुआ है, ये शॉर्टकट स्टैंडर्ड टूल बार में देखिए ओपन का दिया हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। उसके ठीक नीचे आप देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी बार, ये प्रॉपर्टी बार है यहाँ पे। अब और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे आपको टूल्स दिखाई देगा, ये आपका टूल बॉक्स है। तो जब किसी भी टूल्स पे अगर क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं ये वाला रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करूँगा तो प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल टूल का प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ से भी आप जो भी टूल्स पे क्लिक कीजिए, मान लीजिए मैं ये टेक्स्ट टूल पे क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टी बार देखिए चेंज हो गया, टेक्स्ट टूल का प्रॉपर्टी आ जाएगा यहाँ से। तो जो भी टूल में, जब भी हम किसी भी टूल में क्लिक करते हैं तो ऊपर आपका प्रॉपर्टी बार में चेंजेस आपको नज़र आएगा, वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका रूलर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर स्केल है, उसका लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये आपका वर्टिकल रूलर आपको दिख रहा होगा। प्लस मिडिल पोर्शन में आप देखेंगे ये जो पेज, ये आपका पेज है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका प्रिंटेबल पेज है, मतलब यहाँ से लेके इस पेज में ये जो बॉक्स के अंदर जो भी आप रखिएगा प्रिंट करना है तो इस बॉक्स में ही आपको रखना होगा, तो ये प्रिंटेबल पेज है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका वर्क एरिया यही है। उसके बाद ये जो खाली जगह है, ये आपको खाली जगह दिख रहा होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा खाली जगह, यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली जगह आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं पेस्ट बोर्ड, ये जो खाली जगह को हम लोग बोलते हैं पेस्ट बोर्ड बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ भी काम कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जब भी आप प्रिंट आउट करना होगा तो आपको जो भी मैटर लिखा, जो भी डिज़ाइन करना है तो इस पेज के अंदर ही लाना होगा। उसके बाद नीचे देखेंगे ये वाला, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें पेज वन लिखा हुआ है, पेज टू लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं पेज काउंटर बार, ये है एक्चुअली पेज काउंटर बार। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे आपको पेज काउंटर बार में एक्चुअली क्या होता है, टोटल नंबर कितने नंबर ऑफ पेजेस है दिखाई दे रहा है, कौन सा पेज एक्टिव है वो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, पेज वन पेज टू जितना चाहे आप यहाँ से पेज ले सकते हैं। तो ये एक्चुअली पेज काउंटर बार है। तो सबके बारे में मैं डिटेल्स में आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बताता जाऊँगा नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में। उसके बाद और ध्यान से देखिएगा, ये आपका नीचे ध्यान से देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला देखिए क्लिक एंड ड्रैग लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए नीचे वाला पोर्शन सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका स्टेटस बार है, ये नीचे वाला पोर्शन ये वाला जिसमें क्लिक प्लस ड्रैग, ये देखिए ऐड पैराग्राफ पेज, ये आपका स्टेटस बार यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए ठीक पेज काउंटर बटन बार के ठीक नीचे ये वाला पोर्शन स्टेटस बार है। और ये जो पेज टू ये एक्चुअली पेज का टैब दिख रहा होगा आपको, इसको पेज टैब बोलते हैं, ये पेज वन पेज टू लिखा हो तो पेज टैब है, ये आपका स्टेटस बार है नीचे वाला। उसके बाद राइट हैंड साइड में अगर गौर से देखेंगे तो अलग अलग कलर्स दिखाई देगा, ये आपका कलर का पैलेट है, अलग अलग कलर का पैलेट है। उसके बाद मान लीजिए ये टूल बार अगर आपको नहीं है, यहाँ पे देखिए अलग अलग टूल बार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर नहीं है तो यहाँ पे विंडो मेनू में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आइए टूल बार्स में जाइए, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड दिया हुआ है, अगर इसे मैं ऑफ, अभी ऑन है, प्रॉपर्टी बार ऑन है, टूल बॉक्स ऑन है, स्टेटस बार ऑन है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ से चला जाएगा, देखिए टूल बार्स में गया, ये देखिए स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ से चला गया। तो यहाँ से भी आप उसे ला सकते हैं, टूल बार्स में गया यहाँ स्टैंडर्ड, ये देखिए इस पर ऑन किया, ये स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे आ गया। प्लस और क्या है इंपॉर्टेंट कोरल ड्रॉ के अंदर, विंडो में जाएंगे यहाँ पे देखिए डॉकर्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग सबका डॉकर्स दिया, जैसे एक्सट्रूड है तो उसके बारे में इस तरह का, इसे हम लोग बोलते हैं डॉकर विंडो बोलते हैं। हर जो भी टूल यूज़ कीजिएगा, जो भी ऑप्शन यूज़ कीजिएगा एक्सट्रूड का, एक्सट्रूड के बारे में कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग डॉकर। ये एक्सट्रूड का डॉकर बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सिंपली मैंने बताया आपको कि सिंपल सा मैंने आपको बताया कोरल ड्रॉ 11 के अंदर उसके विंडो के स्क्रीन के बारे में। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं पार्ट बाय पार्ट सब कुछ बताऊंगा, प्रॉपर्टी बार के पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, फाइल मेनू के बारे में, एडिट सब के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ जुड़े रहें, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो कम से कम लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।